असलम शेख का आगमन होने जा रहा है, 2 मिनट के अंदर अंदर आने वाले हैं वो। असलम शेख एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, आमदार मलाड विधानसभा के माननीय श्री असलम शेख साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नासिक ढोल वालों से निवेदन कि वो उनका जोरदार स्वागत करें। असलम भाई महाराष्ट्र के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, आमदार मलाड विधानसभा के लाडले श्री असलम भाई से उनका आगमन होने जा रहा है। असलम भाई शेख साहब उनका हार्दिक अभिनंदन सीरवी विकास मंडल की ओर से। बंद तो कर दो। सीरवी विकास मंडल की तरफ से जो पिछले 25 साल से मैं जानता हूं कि जब इन्होंने ये जगह ली थी और जगह लेने के बाद जब उन्हें यहाँ पे डेवलपमेंट करना था, मेरे ख्याल से कुछ जगह यहाँ पे 2 या 3 ही यहाँ पे स्ट्रक्चर जोन में जब शुरुआत की थी, पूरी खेती थी कि पूरे समाज के लोग आए थे। उसके 2 साल के बाद ही मैं नगर सेवक बना और नगर सेवक बनने के बाद में ये हमारा जो परिवार है, ये सूफी परिवार के साथ मेरे ख्याल से पिछले 23 साल से जुड़ा हुआ है। 23 साल में शायद ही कोई एक साल ऐसा होगा जो शायद नहीं आया, मुझे याद नहीं, लेकिन अगर बाकी के प्रोग्राम आप देखोगे तो हर साल जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे आके आई माता का मंदिर का जब प्रस्थान रखा गया, यहाँ का जो डेवलपमेंट की बात आई, तब मैंने हमारे सारे चौधरी परिवार वालों को कहा कि बिल्कुल बनाओ। और ये पहला पवित्र काम इस एरिया में हुआ जिसकी वजह से आज ये पूरा एरिया जो है इतना हरा भरा और खुशहाल दिखता है। और ये समाज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इतना भव्य समाज हुआ। जब हमने शुरू किया तो 200-300 लोग ही से यहाँ पे आते थे, आज तो हज़ारों की संख्या में, और मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार से ज़्यादा तो सिर्फ मलाड में हमारे समाज के लोग रहते हैं। अब मुंबई शहर में तो हज़ारों लाखों की संख्या में रहते हैं। लेकिन ये समाज ने सिर्फ अपने आप को डेवलप नहीं किया, ये समाज ने इस मुंबई में, इस महाराष्ट्र में भी बड़ा योगदान दिया है और तरक्की में आगे ले जाने का काम जो है इस समाज ने किया है। मैं समाज के सभी लोगों को इतना कहना चाहूँगा आई माता के इस पवित्र आंगन से कि आपके घर में जो है बहुत सारी खुशियाँ हैं, आपके परिवार में बहुत सारा लाभ हो। और ये 2-3 साल जो हमारा संकट का गया, कोरोना का, जिसकी वजह से ये परिवार इस तरीके से एक बार जुड़ नहीं सका, मेरे ख्याल से 2-3 साल ये प्रोग्राम कोरोना में नहीं हो पाया था। आज वापस यहाँ पे देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई आए नहीं आए, सबसे पहले आने वाला मैं था पहले भी, और इस दुनिया से भी जब जाऊंगा तो सबसे आखिर तक आपके समाज के साथ खड़ा रहूंगा। जब भी कोई ज़रूरत हो, जब भी कोई काम हो, मेरे लायक काम हो, मेरे सरकार थी, सरकार नहीं हो, जो भी हो, आपके साथ कदम ब कदम, आपके सुख में, दुख में, पवित्र के काम में, सामाजिक काम में आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपको आगे ले जाके इस महाराष्ट्र, इस मुंबई को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसे ही कहते मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। और जो हमारे यहाँ पे अध्यक्ष जी और बाकी के हमारे जितने सीनियरगण पीछे बैठे हैं, उनको भी इस मलाड में जो है आपका अभिनंदन, आपका सत्कार। ये हमारा एरिया है, पिछले 25 सालों से आपसे जुड़ा हूँ और 23 सालों से आपका प्यार मुझसे जुड़ा है। कैसी भी आंधी आई, तूफान आए, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और ये आंगन में की हुई सेवा की वजह से ये कार्य चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सीरवी विकास मंडल 25 साल पहले जब यहाँ पे कुछ नहीं था, तब यहाँ पे ये समाज के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे आके इस एरिया के अंदर आई माता के मंदिर का स्थापना की और समाज के कार्यक्रम पिछले 23 सालों से यहाँ पे हो रहे हैं। और कोरोना की वजह से 2-3 साल बीच में नहीं हो पाया, और ये समाज जो है सारे लोगों को यहाँ जमा करता है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, यहाँ पे दर्शन होते हैं। और इन्होंने जो सिर्फ अपने आप को डेवलप नहीं किया, इस मुंबई शहर में रह के इस मुंबई शहर को भी योगदान दिया है। सारा कारोबारी समाज है, खुद भी काम करते हैं और इनके ज़रिए और लोगों को भी जो है बहुत सी नौकरियाँ मिलती हैं। इनके राशन की दुकान हो गए, इनके अलग कारोबार हो गए, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को उद्योग मिला है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को नौकरियाँ मिली है। इसलिए समाज आगे इसी तरीके से बढ़ना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में, हमेशा मैं समाज के साथ था, हूँ और रहूँ। सर आप क्या कहेंगे सर बागेश्वर बाबा के बारे में? काफ़ी विवाद हो रहा है उनका, हर एक बीजेपी आगे बढ़ रही है। नहीं, देश के सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं, बेरोजगारी की समस्या है, आज कई लोग कुपोषण से मर रहे हैं, बॉर्डर्स के इश्यूज़ नहीं है। मेरे ख्याल से देश को फोकस जो है ना, वो सारे मुद्दों पे करना चाहिए कि रोज़गार कैसे बढ़े, बिजनेसमैन कैसे डेवलप होए। बाकी किसी धर्मों की बातें करना और इस तरीके से कोई भी आके बोलना, ये सब बेफजूल की बातें को मैं समझता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये समाज मुंबई को और इस देश को कैसे मजबूत कर रहा है, जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई काम इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट या मुंबई को या इस देश को लगी तो समाज हमेशा से जो है आगे बढ़ के काम किया है। कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने जो है राज्य सरकार को जो है लाखों की मदद की, प्रधानमंत्री योजना में या प्रधानमंत्री फंड में भी इन्होंने पैसे दिए और अपनी तरफ से समाज की तरफ से भी जो लोग अपने अपने देश अपने अपने वतन जाना चाहते थे उनको जो है वो वहाँ ले जाने का या वहाँ पहुँचाने का काम किया। साथ ही साथ वो जब जा रहे थे तो उनको जो है राशन पानी भी देने का काम किया। तो इसी तरीके के समाज का जो काम ये करते हैं, इसी की वजह से ये लोग बहुत चर्चे में रहते हैं। सर आपने कहा 23 साल से लगातार आप यहाँ पे आते हैं, सर क्या कहना है? आज काफ़ी लोग देखने को मिल रहे हैं। नहीं, कोरोना के बाद इतने सारे लोग देखने को मिल रहे हैं इस समाज के, वरना इससे पहले भी आप देखोगे पिछले 15 साल में इतने लोग ही यहाँ आते थे। असलम जी आखिरी सवाल है, इस तरह से बैनर पोस्टर लगे थे सभी लोगों के बीच में, सिर्फ आप ही एक ऐसा शख्स है जो इनके साथ अपनी मौजूद है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो कोई किसी का पोस्टर वोस्टर देखा नहीं, मेरे सामने तो जो है वो आई माता थी और यहाँ के सीरवी समाज था और सीरवी समाज के साथ मैं पिछले 25 सालों से जुड़ा हूँ। जब उन्होंने ये जगह खरीदी थी तो मुझे तो ये समाज को आगे किस तरीके से बढ़ाना, ये व्यापारियों को किस तरीके से ताकत देना है और जहाँ जहाँ मेरे लायक ज़रूरत होगी मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू। हमारा सीरवी समाज खास करके राजस्थान से आता है और पिछले 30 साल से 35 साल से महाराष्ट्र में अलग अलग ज़िलों में पालघर, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली ज़िलों में बसा हुआ है। हर वर्ष हम लोग भादी बीज और माई बीज को माताजी का त्यौहार मनाते हैं। इस वर्ष पिछले 3 साल से हम माताजी का त्यौहार नहीं मना सके बिकॉज ऑफ कोरोना। इस बार हमने ये माताजी का त्यौहार मनाया है और हर साल ये त्यौहार मनाते हैं। इस समय हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम रखते हैं, समाज के सब लोगों को बुलाते हैं, उनके साथ में धार्मिक भजन भाव भी करते हैं, धार्मिक संध्या रखते हैं, भजन भाव करते हैं और समाज को एकजुट रखते हैं और समाज को दिन दिन आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने माध्यम से अपने समाज वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सीरवी समाज के लोगों को बोलूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे व्यापार करें और नौकरी पैसे में जावे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाज, ये सीरवी समाज हमारा सभी से जुड़ा रहे, ये मेहनती समाज है और एकता के साथ रहे और जहाँ भी ये समाज जाता है वो हिंदुस्तान में मिलके रहते हैं और अच्छा काम करके हमारा मेहनत करके समाज में अपना नाम रोशन करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में सभी जनता के साथ में अच्छा काम करते हैं। ये महोत्सव हर साल मनाया जाता है क्या? जी हाँ, हर साल मनाया जाता है। ये कभी हमारा 30 साल से हमारा फंक्शन होता है, लेकिन हमारी जगह नहीं होने की वजह से हमने पहले दूसरी जगह किया था। अभी 25 साल से हमने असलम भाई के सहयोग से ये हमने जगह लिया और ये इतना बड़ा प्रोग्राम में हमने हर साल अटेंड करते हैं। पिछले 2-3 साल से ही हमारा कोई नहीं हुआ, लेकिन हमारा समाज का काफ़ी अच्छा समय